हाँ ओपन कर दीजिए। चलो गुड इवनिंग टू ऑल। चलो देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन से। अभी मिनिमाइज कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हाँ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में देखो, हम लोग ये पढ़े थे कि मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन था ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन था वो क्या था? ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट किसके अक्रॉस? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। और हम लोग ये कहे थे कि ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरह का था। याद करो, ये ट्रांसपोर्ट दो तरह के थे। एक था तुम्हारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक था तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है ये? और इस पैसिव और एक्टिव को कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे? देखो, यहाँ डिफ्रेंशिएट करते समय हम ये बोले थे कि दो ऐसे हम लोग पॉइंट लिए थे और बोले थे किसी एक पॉइंट पर किसी मालिक्यूल का, जैसे मालिक्यूल ए है, तो ए मालिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या है? ए मालिक्यूल का कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे ज़्यादा है, और इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन क्या है? कम है। यानी देखो, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से किधर मूव कर जाए, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन किधर चला जाए, लो कंसंट्रेशन। इसको बोलते हैं along the concentration gradient, इसको बोलते हैं along the concentration gradient। क्लियर है? और एक पॉसिबिलिटी यह है कि मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से किधर मूव कर जाए, हाई कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है ये? और देखो, हम ये बोले थे कि along the concentration gradient है, यानी मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा, तो ये कैसा प्रोसेस होगा? पैसिव। और अगर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा? ये होगा एक्टिव।
यानी एक ट्रांसपोर्ट मेरा पैसिव होगा, एक ट्रांसपोर्ट मेरा एक्टिव होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव करेगा। और देखो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मॉलिक्यूल हाई से लो जाता है, इसलिए यहाँ पर एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा। इसको बोलते हैं विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, यहाँ एटीपी का लॉस नहीं होगा। और अगर हम लोग एक्टिव की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव किया है, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ एक्सपेंडिचर होगा किसका, एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। ये क्लियर है? अब देखो यहाँ हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसे ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के क्रॉस है, तो मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट, और इसी ट्रांसपोर्ट में एक नाम है पैसिव और एक नाम है एक्टिव। पैसिव क्या है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव क्या है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इसमें एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, और जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इसमें एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है ये? अब देखो यहाँ पैसिव में आएंगे तो पैसिव दो तरह के होते हैं, एक इसमें नाम आता है डिफ्यूजन का, एक आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, और हम लोग फिर देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अभी देखो आगे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये क्या है। देखो यहां हम लोग आते हैं सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मॉलिक्यूल का मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, क्लियर है ये? और यही पैसिव में हम लोग दो नाम बोल रहे हैं, एक है डिफ्यूजन और एक है डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन में सिंपली क्या होगा, डिफ्यूजन में सिंपली क्या होगा, यहां पर लोग सिंपली बोलेंगे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा तुमसे ये पूछेगा कैसा मॉलिक्यूल, तो यहां पर बोलेंगे चाहे वो सॉलिड का मॉलिक्यूल हो, तो चाहे वो सॉलिड का मॉलिक्यूल हो, लिक्विड का मॉलिक्यूल हो, या गैस का मॉलिक्यूल हो। और कहां होगा ये ट्रांसपोर्ट, ये कहां ट्रांसपोर्ट होगा, मूवमेंट किसके अलोंग होगा, इसको बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है? और देखो एक केस आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सीधे सीधे एक डायग्राम बनाते हैं। देखो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से ड्रॉ किए थे, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो हम लोग इस तरह से ड्रॉ किए थे, देखो याद करो ये पेरीफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन था, पेरीफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन था, जो मेम्ब्रेन में पार्शियली इम्बेडेड था उसको हम लोग नाम बोले थे इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन थे जो मेम्ब्रेन में पूरी तरह से इम्बेडेड थे, इस तरह से देखो पूरी तरह से इम्बेडेड थे। तो देखो अच्छा ये भी देखो सरफेस अटैच है, तो इसको भी नाम क्या बोलेंगे, इसको भी नाम बोलेंगे पेरीफेरल या एक्सट्रिंसिक। खैर इसको भी हटा देते हैं, अभी हम लोग इस पर देखते हैं, ये है पेरीफेरल एक्सट्रिंसिक, ये है इंटीग्रल और इंट्रिंसिक, ये भी इंटीग्रल इंट्रिंसिक है। लेकिन हम बोले थे कि जो प्रोटीन मेम्ब्रेन में फुल्ली इम्बेडेड हो जाए उसी को नाम बोलते हैं टनल या
इसी को नाम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, टनल या ट्रांसमेम्ब्रेन। क्लियर है ये? अब ध्यान से कर देखो, जैसे मान लो तुमसे बोल दें कोई मालिक्यूल ए है और ये मालिक्यूल पोलर हो, ये मालिक्यूल क्या हो, पोलर हो, और इसका कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है। कोई मालिक्यूल वही ए है, पोलर है, ठीक है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन अंदर क्या है, कम है। अब दो बात देख लो ध्यान से इधर, अगर अगर मालिक्यूल पोलर है, लिपिड नन पोलर होता है, सबको देखो ये याद होना चाहिए कि लिपिड नन पोलर होता है और ये मालिक्यूल जो है पोलर है, तो पोलर कभी भी नन पोलर में डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए ये मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर हम यही बोल देते कि ये जो ए मालिक्यूल है, ये ए मालिक्यूल नन पोलर है, इधर भी जो ए मालिक्यूल है ये नन पोलर है, और कंसंट्रेशन देखो बाहर ज्यादा है, कंसंट्रेशन अंदर क्या है, कम है, तो अगर मालिक्यूल अपने हाई से लो जाना चाहेगा तो बताओ ये लिपिड के थ्रू इजिली अंदर चलाएगा, और इसी मूवमेंट को हम लोग सिंपली बोल देते हैं डिफ्यूजन। ध्यान से देख लो, लिपिड नन पोलर होता है और जिस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होना है वो भी नन पोलर है, नन पोलर नन पोलर में डिजॉल्व हो जाता है, तो ये मॉलिक्यूल देखो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर गया। क्लियर है? और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर गया, इसी मूवमेंट को बोलेंगे डिफ्यूजन। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कोई मॉलिक्यूल बी है वो पोलर है, कोई मॉलिक्यूल बी है वो पोलर है और बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन बी का जो है वो कम है, अगर ऐसा केस है तो देखो ये मॉलिक्यूल अपने हाई से लो जाना चाहेगा, लेकिन ये पोलर है और लिपिड नॉन पोलर है, इसलिए लिपिड इस पोलर के मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा। तो देखो जब पोलर मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के क्रॉस जाना होता है तो वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के थ्रू फैसिलिटेट किया जाता है, और इसी डिफ्यूजन को नाम बोल देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये ध्यान से इसको समझ लो, डिफरेंस समझ लो डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या अंतर है। देखो लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नन पोलर होता है और ये मॉलिक्यूल भी क्या है, नन पोलर है, तो अगर नन पोलर लिपिड में डिजॉल्व हो जाता है तब वो डिफ्यूजन मेथड से क्या करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। ये मॉलिक्यूल देखो पोलर है, लिपिड नन पोलर है और पोलर नन पोलर में डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल लिपिड के थ्रू नहीं जा पाएगा, तो ऐसे पोलर मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कराने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है वो पैसेज प्रोवाइड करेगा। तो बोलते ये हैं कि ये प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन जो है इस पोलर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को फैसिलिटेट कर दिया, इसी को नाम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी एक बात तुम याद रखोगे, अगर न्यूट्रल, देखो ध्यान समझना, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और वो नन पोलर है, न्यूट्रल है प्लस वो नन पोलर है, तो ये डिफ्यूजन मेथड से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। और एक है कि अगर मॉलिक्यूल पोलर हो प्लस मॉलिक्यूल चार्ज्ड हो, मॉलिक्यूल पे कोई ना कोई चार्ज हो, जैसे आयन, आयन है तो उसका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका डिफ्यूजन होगा, मॉलिक्यूल नन पोलर है, नन पोलर है तो डिफ्यूजन होगा, मॉलिक्यूल अगर पोलर है, मॉलिक्यूल अगर पोलर है तो पोलर का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। तो ये दो बात एकदम पहले क्लियर रखना, पैसिव में अलोंग द ग्रेडियंट ही मूवमेंट होता है, और देखो दोनों मॉलिक्यूल चाहे वो नॉन पोलर हो चाहे वो पोलर हो, वो अपने हाई कंसंट्रेशन से किधर गया है, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से किधर गया, लो कंसंट्रेशन। बस एक नॉन पोलर था तो मेम्ब्रेन में डिजॉल्व हो गया और आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया, ये डिफ्यूजन था। एक पोलर था वो मेम्ब्रेन में डिजॉल्व नहीं हो पाया, इसलिए इसके ट्रांसपोर्ट को मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या कर देता है, फैसिलिटेट कर देता है। क्लियर है ये बात? ध्यान से देख लो, यही है डिफ्यूजन, ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखो एनसीईआरटी में एक नाम लिख रखा है इसी डिफ्यूजन में एक नाम लिख रखा है, वो ऑस्मोसिस का।
और ऑस्मोसिस में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसका मूवमेंट हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल का। देखो यहां पर स्पेसिफिक कर दिया वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए ये क्या होगा, ऑस्मोसिस। हमने डिफ्यूजन में लिखा है, डिफ्यूजन में सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। अगर लिक्विड के डिफ्यूजन की बात करोगे, लिक्विड के डिफ्यूजन की बात करोगे तो उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर है ये बात, आगे बढ़ते हम लोग। देखो फिर से हम इसको बोल दे रहे, इसको सुन लो। पैसिव ट्रांसपोर्ट में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का है, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल का मूवमेंट सॉलिड का हो, लिक्विड का हो, गैस का हो, अलोंग द ग्रेडियंट होता है। और डिफ्यूजन किसका होता है, डिफ्यूजन न्यूट्रल मॉलिक्यूल का होता है और नॉन पोलर का होता है, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। और इसके ट्रांसपोर्ट में कोई प्रोटीन यूज नहीं होता, क्योंकि ये नॉन पोलर है, लिपिड भी नॉन पोलर है, और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए नॉन पोलर का ट्रांसपोर्ट सिंपली आसानी से हो जाएगा। जब हम लोग वही पोलर की बात करेंगे या चार्ज्ड मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो पोलर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल वाले, ध्यान से देखो, पोलर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल वाले जितने भी होंगे सब लिपिड में डिजॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, लिपिड में अगर डिजॉल्व नहीं हुए तो इनके ट्रांसपोर्ट में एक मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होगा। तो ये बोलते हैं कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वही मॉलिक्यूल के मूवमेंट को क्या कर देता है, फैसिलिटेट। इसलिए इसको नाम क्या बोल देते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखो अगर ऑस्मोसिस की बात करें तो बोलना ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एक तरह का क्या है, डिफ्यूजन है। तो ऑस्मोसिस किसका डिफ्यूजन है, इस लिक्विड का। लिक्विड के डिफ्यूजन को ही क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। बस वो किसके थ्रू हो जाए, मेम्ब्रेन के थ्रू। इतनी बात क्लियर है। आगे हम लोग आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, अभी हम मार्कर चेंज कर दे रहे हैं। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आओ। देखो ये लिपिड बाइलेयर है, ये देखो ध्यान से, ध्यान से इसमें देखो, इसमें देखो ध्यान से, ये है टनल। या इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो यहां से, यहां देखो, यहां तुमसे दिखा दे अगर सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर क्या हो, ज्यादा, अंदर क्या हो, कम हो। अंदर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, पोटेशियम का ज्यादा हो, बाहर पोटेशियम का कम हो। ध्यान से देख लो, ये बताओ यहां सोडियम का जो मूवमेंट होगा वो अंदर से बाहर की तरफ होगा। हम देखो फिर से बोल रहे हैं, ये चार्ज है, और अगर चार्ज है तो ये लिपिड से डायरेक्टली क्रॉस नहीं हो पाएगा। हम बोले थे कि चार्ज वाले और पोलर वाले, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होता है।
तो देखो ये सोडियम आयन है, चार्ज है, इसलिए इस प्रोटीन के थ्रू क्या होगा, क्रॉस होगा। हम ये दिखा रहे हैं कि सोडियम लो कंसंट्रेशन किधर गया, हाई कंसंट्रेशन। वैसे ही पोटेशियम भी, देखो पोटेशियम जो है वो लो कंसंट्रेशन से किधर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। और सब लोग देखो ये पढ़े होंगे, एक एटीपी के खर्च पे, एक एटीपी के खर्च पे तीन सोडियम निकल के बाहर जाता है और दो पोटेशियम अंदर चला आता है। और जो प्रोटीन ये काम करेगा सोडियम को बाहर भेजने का, पोटेशियम को अंदर लाने का, तो एक्चुअल में ये प्रोटीन क्या ट्रांसपोर्ट किया है, ये प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट करेगा उसी से इस प्रोटीन का नाम पड़ जाएगा। और ये सब लोग पढ़े हैं, किसी का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। देखो पंप क्यों बोलते हैं, पंप प्रोटीन होता है जो मॉलिक्यूल को पंप करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो यहाँ देख लो, सोडियम का जो मूवमेंट है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन है, पोटेशियम का मूवमेंट भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन है, क्लियर है। ये काम ये प्रोटीन कर रहा है, इसलिए इसको नाम बोल दिए पंप। और क्या पंप किया है, सोडियम और पोटेशियम को, इसलिए इसका नाम दे देते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ध्यान से देख लो, सोडियम पोटेशियम पंप ये न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये बात एकदम क्लियर है। अब तुम लोग देखो यहां क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका जवाब दो। गार्ड सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा पंप है जो इस गार्ड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसका जवाब दो। बाकी ऐसे देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो ये मूवमेंट है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये मूवमेंट है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है रति जायसवाल, करेक्ट आंसर, ठीक है, H+K+ पंप होता है, गार्ड सेल के मेम्ब्रेन में H+K+ पंप होता है, क्लियर है। और एक और बता दो, एक क्वेश्चन और है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक। ठीक है, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, केवल रति जायसवाल जवाब दे रही है, ठीक है। लाइसोसोम में H+ पंप होता है, करेक्ट है ये, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, H+ पंप। और सब लोग ध्यान रखेंगे, चाहे H+K+ पंप हो और चाहे H+ पंप हो, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, ये एग्जाम्पल है किसके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। अच्छा सब लोग देखो ये जानते हैं कि यहां पर जो प्रोटीन प्रेजेंट था उसको हम लोग क्या बोले थे, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक, और ये क्या था, इसको हम लोग नाम दिए थे क्या, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक, चलिए लगाइए। चलो सब लोग एनसीईआरटी देखो, अब एनसीईआरटी से पहले पूरा सेल मेम्ब्रेन हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सेल वॉल हेडिंग की तरफ। हाँ चलो देखो, यहां सेल मेम्ब्रेन में वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है कि द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950। देखो हमने ये बताया था कि
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 में डिस्कवर्ड हुआ था, और उसी की डिस्कवरी के बाद सेल मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर को क्या किया गया था, स्टडी किया गया था। कमेंट में क्या लिखा है, छोड़ दीजिए। ठीक है, देखो सेल मेम्ब्रेन में द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950। यानी सेल मेम्ब्रेन का जो डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी किया गया था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद, और उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी 1950 में। लेकिन तब तक देखो क्या बोल रहा है कि मीनवाइल केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस का मतलब टू डिस्कवर्ड द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो हम ये बोले थे कि रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन पर बायोकेमिकल स्टडी किया गया था, ठीक है, और उस बायोकेमिकल स्टडी से मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को या मेम्ब्रेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर को डिड्यूस किया गया था। कैसे किया गया था, आगे देखो लिखा है कि दीज स्टडी शोज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ध्यान से देख लो, सेल मेम्ब्रेन में मेनली क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज इन ए बाईलेयर। ये हम लोग देख रहे हैं कि ये फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज है, ये बाईलेयर के फॉर्म में है। ये फॉस्फोलिपिड का एक लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड का दूसरा लेयर है। तो द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन ए बाईलेयर। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। ध्यान से देखो, ये पोलर हेड है और ये पोलर हेड है जो बाहर की तरफ है, और ये देखो ये नन पोलर टेल है, या बोलोगे हाइड्रोफोबिक टेल है, जो इन साइड एक दूसरे को फेस किए हुए हैं। तो लिखा है कि दिस इंश्योर दैट द नन पोलर टेल सॉरी द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट। ये देखो, ये हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है इनर साइड होता है, और जो ये हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है ये आउटर साइड क्या रहता है, मेम्ब्रेन के प्रेजेंट रहता है। दिस इंश्योर दैट नन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। हम लोग बोले थे कि मेम्ब्रेन में लिपिड कौन कौन सा था, तो बताओ याद करो, लिपिड दो थे, एक था फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के अलावा क्या प्रेजेंट था, कोलेस्टेरॉल, और कोलेस्ट्रॉल जो था ये क्या प्रोवाइड किया था, रिजिडिटी। कोलेस्ट्रॉल जो था वो मेम्ब्रेन को क्या प्रोवाइड किया था, रिजिडिटी। इसलिए देखो लास्ट में क्या लिखा था कि दिस इंश्योर दैट द नन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट एंड इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। जरा ध्यान से इधर देखो, हम ये बोले थे कि ये लिपिड यूनिलेयर के फॉर्म में नहीं रह सकता, ये लिपिड जब भी प्रेजेंट रहेगा ये बाईलेयर के फॉर्म में रहेगा। और बाईलेयर के फॉर्म में क्यों रहेगा, बाईलेयर के फॉर्म में क्यों रहेगा, इसलिए ताकि इस हाइड्रोफोबिक टेल को एक्वस एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन दिया जा सके। और इस मेम्ब्रेन में लिपिड दो हैं, फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, और इसी यही कोलेस्ट्रॉल जो होता है मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो आगे क्या लिखा है, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्स दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पॉसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। यानी देखो, इस लिपिड के अलावा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है प्लस कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। और करिए, देखो लिखा है लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पॉसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। इन ह्यूमन बींग द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट हैज अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। हम लोग ये बोले थे कि आरबीसी मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन था और 40% जो था वो लिपिड था। ये सबको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब है कितने आसानी से हम निकाल सकते हैं।
प्रोटीन को, तो लिखा है डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरीफेरल। ध्यान से देख लो, ये इंटीग्रल है, ये हम लोग लिख रखे हैं, ये इंटीग्रल है ठीक है, और ये जो है पेरीफेरल है ठीक है। पेरीफेरल प्रोटीन जो होता है वो सरफेस से ऐसे अटैच रहता है, तो क्या लिखा है देखो, पेरीफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। तो जो इंटीग्रल था वो पार्शियली या टोटली बरीड होता है, और हम लोग यहाँ देखो डायग्राम में जो दिखाएं ये टोटली बरीड है, और बताए थे कि जो इंटीग्रल प्रोटीन टोटली बरीड होता है मेम्ब्रेन में उसी को बोलते हैं टनल, और उसी को बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्लियर है, आगे बढ़ते देखो, आगे बढ़िए, ये स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का है, सब लोग इसको एनसीईआरटी में देख लेंगे। हम सीधे लैंग्वेज पे आते हैं, यहां देखो ध्यान से, यहां लिखा है हम लोग बोले थे कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल क्या था, तो तुम लोग भी बताए थे ये कि इसका मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल फ्लूइड मोजैक मॉडल था, जो कौन दिया था, सिंगर और निकोलसन, और कब दिए थे, 1972 में। क्लियर है, ये ध्यान से देखो, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाई सिंगर एंड निकोलसन, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोजैक मॉडल। और हम लोग बोले थे कि ये जो लिपिड है, इसी लिपिड में फ्लूइड प्रॉपर्टी था, लेकिन हम लोग बोले थे कि ट्रू फ्लूइड नहीं था, ये कैसा था, ये क्वासी फ्लूइड था, याद करो ये क्वासी फ्लूइड था। और यहां जो प्रोटीन ऐसे प्रेजेंट था, ध्यान से देखो, यहां जो प्रोटीन प्रेजेंट है ये मेम्ब्रेन में पार्शियली इम्बेडेड है, और हम लोग बोले थे इसी प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट ये बताएगा कि लिपिड में फ्लूइड बिहेवियर है। लेकिन जो लिपिड होता है वो कंप्लीटली फ्लूइड नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, क्वासी फ्लूइड होता है। और इस लिपिड में फ्लूइड प्रॉपर्टी का होना 5 प्रोसेस के लिए जरूरी था, ये पिछले क्लास में बताए थे। ध्यान से सुनो इसको फिर से, ये जो प्रोटीन देख रहे हो ये इंट्रिंसिक है, और ये लैटरली ऐसे मूव करेगा, इसका लैटरल मूवमेंट होगा ये बताएगा कि लिपिड में फ्लूइड प्रॉपर्टी है, और लिपिड जो है वो ट्रू फ्लूइड नहीं है, लिपिड जो है वो ट्रू फ्लूइड नहीं है बल्कि वो क्वासी फ्लूइड है। और मेम्ब्रेन में फ्लूइड प्रॉपर्टी का होना 5 प्रोसेस के लिए जरूरी था, ये भी हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें देखो और उसको अंडरलाइन करना। आगे देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब किसके अकॉर्डिंग, फ्लूइड मोजैक मॉडल के अकॉर्डिंग, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, देखो बोला ना क्वासी फ्लूइड, क्वासी का मतलब ट्रू फ्लूइड नहीं है वो, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाई लेयर एंड दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। जितना ज्यादा इस प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट होगा उतना ज्यादा लिपिड में फ्लूइडिटी होगा, फ्लूइड बिहेवियर होगा, जितना कम इसका लेटरल मूवमेंट होगा फ्लूइड प्रॉपर्टी लिपिड में उतनी कम होगी, यानी इस प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट ये बताएगा कि लिपिड में कितनी फ्लूइडिटी है। आगे देखो क्या लिखा है, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। इस 5 प्रोसेस के लिए मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी का होना जरूरी है। वो 5 प्रोसेस कौन से, उसको हम फिर से बोल रहे हैं, अंडरलाइन करो, वो है सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। ये 5 ऐसे प्रोसेस हैं जिस प्रोसेस के लिए मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी का होना जरूरी है। आगे आते हैं हम लोग फंक्शन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। ये हम लोग शुरू में बोले थे ना कि मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन जो है वो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट है, तो क्या लिखा है इसको फिर से पढ़ रहे सुनो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट एंड द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। हम लोगों ये बोले थे कि इस मेम्ब्रेन में आउटर सरफेस पर क्या प्रेजेंट था, याद करो आउटर सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट था, और जिस कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या था, रिकॉग्निशन। जिस कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या था, रिकॉग्निशन। क्या ये मेम्ब्रेन
सारे मॉलिक्यूल को आने जाने देगा? तो आंसर होगा नहीं, सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को अंदर आने देगा, इसीलिए मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होता है। इसलिए देखो लिखा है दूसरी लाइन में क्या लिखा है कि द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल सल्यूट मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर है? वाटर मे ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर बाई डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखो ये भी हम लोग नाम बताए थे अभी कि वाटर का मूवमेंट अगर मेम्ब्रेन से हो जाए तो ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। इसको हम फिर से पढ़ रहे हैं, सुन लो। वाटर मे ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर बाई डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगला देखो क्या लिखा है, एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाई लेयर दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट दियर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, और यही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। इसी ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर है? तो देखो क्या लिखा है कि एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट, देखो जो लिपिड याद करो, लिपिड जो था वो नॉन पोलर था, लिपिड जो है वो नॉन पोलर है और पोलर मॉलिक्यूल जो होगा इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, इसलिए पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम लोग बोलेंगे कैरियर प्रोटीन। तो देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो, लिखा है कि एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाई लेयर दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट दियर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ए फ्यू आयन और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम द लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ये देखो बात कर रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ए फ्यू आयन और मॉलिक्यूल, ये हम लोग देख रहे हैं Na+, K+, Mm को, कि ए फ्यू आयन और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन। सच ए ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच ATP इज यूटिलाइज एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और उसी में एग्जाम्पल देखो लिखा है किसका, सोडियम पोटेशियम पंप का। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। गार्ड सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था H+, K+ पंप और लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था H+ पंप। ठीक है, ये इतना है सेल मेम्ब्रेन और ये पूरी तरह से क्लियर है, बंद कर दिया। आगे देखो ट्रांसपोर्ट में एक बात और आएगा, ट्रांसपोर्ट में देखो एक नाम आता है बल्क ट्रांसपोर्ट, एक नाम आता है बल्क ट्रांसपोर्ट। और ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट है ये दो तरह का होगा, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। और इंडोसाइटोसिस जो है ये दो तरह का होगा, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो है इसको बोलते हैं सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस जो है इसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग।
और जो एक्सोसाइटोसिस है इसको बोलते हैं ध्यान से देखो यहां जो बल्क ट्रांसपोर्ट लिखा है, देखो बल्क का मतलब है लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो जाए मेम्ब्रेन के थ्रू तो उसको बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। अच्छा इसमें एक नाम आ रहा है इंडोसाइटोसिस, एक नाम है एक्सोसाइटोसिस, ये तो वर्ड से क्लियर है इंडो एक्सो, बल्क इनटेक, बल्क इनटेक ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल का बल्क में सेल के भीतर चले आना, किसी मटेरियल का सेल, देखो किसी भी कोई भी मटेरियल हो अगर उसका बल्क अमाउंट में सेल के भीतर अगर आ जाता है तो वो इंडोसाइटोसिस है, और अगर वो बल्क अमाउंट में बाहर निकल जाए, ठीक है, बल्क रिलीज ऑफ मटेरियल, तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अच्छा ये बल्क इनटेक जो है, बल्क इनटेक फैगोसाइटोसिस में किसका होता है, सॉलिड का, सॉलिड का होता है इसलिए इसको सेल ईटिंग बोलते हैं, और जब वही लिक्विड का हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। यानी बल्क इनटेक अगर सॉलिड का हो जाए तो ये फैगोसाइटोसिस होता है, लिक्विड का हो जाए तो ये पिनोसाइटोसिस होता है। क्लियर है ये? तो फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग है, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग है, और फैगोसाइटोसिस सब लोग पढ़े हैं ब्लड में जो WBC होता है वो भी फैगोसाइटोसिस करता है, और अमीबा भी फैगोसाइटोसिस से फूड को क्या करता है, इनटेक। सब लोग ये देखे थे कि अमीबा इस तरह से अगर मान लो है और इस अमीबा के सामने ये क्या है, फूड है, अमीबा के सामने ये फूड है, तो अमीबा क्या करता है, अमीबा क्या करेगा, इसी फूड के किनारे, फूड के किनारे वो स्यूडोपोडिया बना लेता है, ऐसे स्यूडोपोडिया बना लेता है, और स्यूडोपोडिया बना के इस सॉलिड फूड को अपने भीतर ले लेगा, कैसे ले लेगा, इसी को बोलते हैं क्या, इंडोसाइटोसिस। ये फिनोमेना क्या है, इंडो में फैगोसाइटोसिस है। क्लियर है ये? देखो ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में ही एक अलग से नाम था बल्क ट्रांसपोर्ट, इसलिए तुम्हें ये बता दिया गया बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में, इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। और एक बात याद रखना, इंडोसाइटोसिस हो और एक्सोसाइटोसिस हो दोनों के लिए मेम्ब्रेन में फ्लूइड प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, दोनों में मेम्ब्रेन के लिए, सॉरी दोनों के प्रोसेस के लिए मेम्ब्रेन में फ्लूइड प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, फ्लूइडिटी रहेगा तभी ये मेम्ब्रेन फोल्ड होगा और फोल्ड होकर स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, सेल वॉल। देखो ये सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल, डिस्कवर्ड बाय, पता सेल वॉल को कौन डिस्कवर्ड किया, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ही सेल वॉल को क्या किए थे, डिस्कवर्ड किए थे। क्या है ये सेल वॉल, सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट रिजिड, आउटर मोस्ट रिजिड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, ये एक नाम यहां पर और लिखना, आउटर मोस्ट रिजिड नॉन लिविंग, सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, आउटर मोस्ट रिजिड नॉन लिविंग प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। इस तरह से ये प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अब देखो तीन केस आएगा, जैसे देखो अगर तुमसे नाम ले ले फंगल सेल वॉल, देखो फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो जो फंगल सेल वॉल है सबको पता है कि ये फंगल सेल वॉल किसका बना होता है, ये बना होता है काइटीन, फंजाई का सेल वॉल किसका बना है, काइटीन, और काइटीन जो है ये पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, ये पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन,
ये पॉलीमर है किसका, एन स्टाइल ग्लूकोसामीन। दूसरा हम लोग यहां नाम लिखते हैं एल्गल सेल वॉल। देखो एल्गल सेल वॉल, एल्गी का जो सेल वॉल है इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें चार पार्ट हैं, सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन और मिनरल। मिनरल में यहां क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बात याद रहे। एक है प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल किसका बना है, तो प्लांट सेल वॉल में भी ऐसे चार पार्ट हैं। प्लांट सेल वॉल में क्या है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन है, प्रोटीन है। तो वो सेल वॉल तीन जगह प्रेजेंट है, सेल वॉल तीन जगह प्रेजेंट है। एक सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है, देखो फंजाई में। फंगल सेल वॉल किसका बना है, काइटिन का। एल्गल सेल वॉल किसका बना है, सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनर और मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट का। और प्लांट सेल वॉल जो है वो किसका बना है, ये बना है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का। क्लियर है ये। इसके अलावा देखो, इसके अलावा एक आता है फंक्शन। फंक्शन क्या है इसका, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। देखो जब हम लोग सेल वॉल के फंक्शन में आएंगे तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा, प्रोवाइड शेप। ये क्या करता है, सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करेगा। दूसरा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एंड प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टूवर्ड्स इन्फेक्शन। इसके साथ साथ ये क्या करेगा, प्रोवाइड बैरियर फॉर अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब अनडिजायरेबल मतलब ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल जिनकी रिक्वायरमेंट अगर सेल में नहीं है, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल जिनकी रिक्वायरमेंट अगर सेल में नहीं है तो सेल वॉल ऐसे मॉलिक्यूल को सेल के इनसाइड आने से क्या कर देता है, रोक देता है। और किस में हेल्प करता है, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में, हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन। सेल टू सेल इंट्रैक्शन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो ध्यान से देख लो, सेल वॉल जो है, इस सेल वॉल को कौन डिस्कवर्ड किया था, सेल वॉल को डिस्कवर्ड कौन किया था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सेल वॉल को डिस्कवर्ड किए थे। दूसरा, आउटर मोस्ट है, रिजिड है, नॉन लिविंग है, प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक। फंगल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल किसका बना है, फंगल सेल वॉल काइटिन का बना है। और काइटिन जो है ये पॉलीमर है किसका, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। एल्गल सेल वॉल, एल्गल सेल वॉल किसका बना है, ये बना है सेलुलोज का, गैलेक्टन का, मैनन का और मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट का। प्लांट सेल वॉल किसका बना है, प्लांट सेल वॉल बना है किसका, सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का, पेक्टिन का और प्रोटीन का, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल में आओ, ये प्लांट के सेल को, कोई भी सेल हो उसको क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट। और सेल को प्रोटेक्ट करेगा किससे, बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किसके तरफ, इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन होना होगा, बैक्टीरियल फंगल वायरल अटैक होना होगा, तो सेल वॉल उनके अटैक को क्या करेगा, रोकेगा। बैरियर प्रोवाइड करता है किसके लिए, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। कोई ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल जिसकी सेल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है
उनके लिए जो सेल वॉल होता है वो बैरियर प्रोवाइड करता है। और ये किसमें हेल्प करेगा? ये हेल्प करता है सेल टू सेल इंट्रैक्शन में। क्लियर है ये? अब देखो यहां से हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के बारे में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल क्या है इसको देखो, चलो चैट बॉक्स में सब लोग ये बताओ कि प्लांट में जो दो एडजेसेंट सेल्स होते हैं वो आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं? दो एडजेसेंट सेल्स प्लांट के आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं? ठीक है, हाँ ठीक है। दो एडजेसेंट सेल्स जो होते हैं प्लांट के आपस में कनेक्टेड होते हैं किससे? प्लाज्मोडेस्माटा से। क्लियर है ये? आगे देखो, देखो जब हम लोग स्ट्रक्चर में आएंगे, ठीक है, जब हम लोग स्ट्रक्चर में आएंगे ध्यान से देखो, ये एक सेल है, ये एक सेल ऐसे हो गया और दूसरा सेल यहां पर हो गया। देख लो प्लांट में ये दो सेल हैं। क्लियर है ये? अब बताओ इस दो सेल के बीच में, ध्यान से देखो इधर, इस दो सेल के बीच में सीमेंटिंग लेयर का काम कौन करेगा? इस दो सेल के बीच में सीमेंटिंग लेयर का काम कौन करेगा? ध्यान से देख लो, ये सीमेंटिंग लेयर है, तो दो सेल के बीच में सीमेंटिंग लेयर का काम कौन करता है? मिडिल लैमेला, ठीक है। अब देखो दो सेल के बीच में ये सीमेंटिंग लेयर है, यानी दो सेल को आपस में ग्लूड, ग्लूड का मतलब होता है चिपकाए रखना, ठीक है। तो दो सेल को आपस में ग्लू कौन किया हुआ? वो किया हुआ मिडिल लैमेला। और इसी मिडिल लैमेला के नीचे क्या प्रेजेंट होगा? देखो इसी मिडिल लैमेला के नीचे ऐसे प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होगा, प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल के नीचे क्या प्रेजेंट होगा? सेकेंडरी वॉल। ध्यान से देख लो, ये तुम्हारा पूरा हो गया प्राइमरी वॉल। ये देखो स्ट्रक्चर किसका बना रहे हैं हम, ये स्ट्रक्चर है प्राइमरी वॉल का, ये स्ट्रक्चर किसका है? और ये सेकेंडरी वॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और देखो इसी प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के नीचे तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, इधर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो देखो इसको नाम मिडिल क्यों बोले हैं? दो सेल के बीच में है इसलिए नाम बोलते हैं इसको मिडिल लैमेला। अब मिडिल लैमेला की तीन बात सुनो, ध्यान सुनो, दो सेल के बीच सीमेंटिंग लेयर का काम कौन करता है? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला किसका बना है? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का। अमाउंट किसका ज्यादा है? कैल्शियम पेक्टेट का अमाउंट ज्यादा है। और देखो जो सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट, सब लोग ये जानते हैं कि जब फल पक जाता है तो पक जाने पर सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि यही मिडिल लैमेला उसमें डिजॉल्व हो जाता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला। तो हम लोग देखो यहाँ पहला पॉइंट लिख लेते हैं किसके लिए, पहला पॉइंट हम लोग किसके लिए लिख लेते हैं? मिडिल लैमेला के लिए। पहला देखो मिडिल लैमेला के लिए हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? एक्स एज सीमेंटिंग लेयर। देख लो ये सीमेंटिंग लेयर का काम करता है किसके बीच में? दो सेल के, दो प्लांट के दो सेल के बीच में सीमेंटिंग लेयर का काम करता है। किसका बना है, किसका बना है? कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना है। अमाउंट किसका ज्यादा है?
कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा है किससे, मैग्नीशियम से। और जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, फल का जो पक जाना होता है, वो राइपनिंग किसकी वजह से है, डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सॉरी डिजोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला। तो यहां क्या लिखेंगे, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला। ये तीन बात हम फिर से बोल रहे हैं, सुन लो। मिडिल लैमेला सीमेंटिंग लेयर है दो सेल के बीच में, किसका बना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। अमाउंट कैल्शियम का ज्यादा होता है मैग्नीशियम से। और राइपनिंग जो होता है फ्रूट का राइपनिंग जो होता है वो मिडिल लैमेला के डिजोल्व हो जाने की वजह से होता है। चैट बॉक्स में सब लोग ये लिखो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था, राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था। फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, करेक्ट है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, इथाइलिन। और सबको पता है कि इथाइलिन जो होता है वो गैसियस हार्मोन है। क्लियर है ये, ठीक है। रति जायसवाल, विनय कुमार सिंह, लोक प्रकाश वर्मा, करेक्ट आंसर इथाइलिन। अब देखो हम लोग आते हैं इसमें प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में आते हैं। और देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो प्राइमरी वॉल है, देखो ये प्राइमरी है, ये वाला वॉल जो है और ये वाला वॉल जो है ये प्राइमरी वॉल है, और ये जो वॉल है और ये जो वॉल है सेकेंडरी वॉल है। इस तरह से है, देखो एक प्राइमरी सेल वॉल होता है और एक सेकेंडरी सेल वॉल होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी वॉल में, देखो इधर जो प्राइमरी होता है ये किसके नीचे प्रेजेंट होता है, प्राइमरी जो होता है क्या होगा, प्रेजेंट बिलो मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है प्राइमरी वॉल। और सेकेंडरी क्या होता है, प्रेजेंट बिलो द प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के ठीक नीचे क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी वॉल होता है। प्राइमरी वॉल जो होता है ये थिन और इलास्टिक होता है, थिन एंड इलास्टिक, ठीक है। और जो सेकेंडरी वॉल होता है, सेकेंडरी वॉल जो होता है वो थिक और टफ होता है, सेकेंडरी वॉल जो होता है वो थिक और टफ होता है, ठीक है। ये डिमिनिशेस, देखो डिमिनिशेस, जैसे जैसे सेल का ग्रोथ होगा, जैसे जैसे सेल का ग्रोथ होता है प्राइमरी वॉल पतला होता जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, डिमिनिशेस, डिमिनिशेस व्हेन सेल ग्रो। जब सेल ग्रो करता है तो ग्रो करने के साथ साथ जो प्राइमरी होता है वो डिमिनिश होता जाता है, और ये जो होता है डू नॉट अलाउ ग्रो, डू नॉट अलाउ ग्रोथ। सेकेंडरी एक बार बन जाता है तो बन जाने के बाद फर्दर सेल का ग्रोथ नहीं होता, इसलिए सेकेंडरी वॉल जो होता है वो ग्रोथ को अलाउ नहीं करता, और प्राइमरी वॉल जो होता है वो ग्रोथ को अलाउ कर देता है। और प्राइमरी वॉल, देखो जब बोलोगे प्राइमरी वॉल तो प्राइमरी वॉल प्रेजेंट, कौन सा ऐसा सेल है, कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है, तो उसमें देखो नाम क्या लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम लोग यहां पर आएंगे तो एग्जाम्पल हम लोग क्या देखेंगे, एक है मेरिस्टमैटिक टिश्यू, मेरिस्टमैटिक टिश्यू और पैरेन्काइमा, इन दोनों में प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं होता। सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब इन दोनों सेल का ग्रोथ होगा, और जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे प्राइमरी वॉल डिमिनिश होता जाएगा, डिमिनिश का मतलब वो पतला होता जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ लिख रखे हैं थिन और इलास्टिक होता है, और सेकेंडरी वॉल जो होता है वो थिक और टफ होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे,
जब यहाँ सेकेंडरी वॉल में आएंगे तो सेकेंडरी वॉल के जब एग्जाम्पल में आएंगे तो सेकेंडरी वॉल के एग्जाम्पल में दो चीज़ लिखेंगे। देखो एक चीज़ क्या लिखेंगे कि ये सेकेंडरी वॉल सिर्फ किस सेल में होता है, सेकेंडरी वॉल सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, कॉलन काइमा स्क्लेरन काइमा, ये दो जगह होता है, कॉलन काइमा में और स्क्लेरन काइमा में। ठीक है, हाँ देखो एक ये क्वेश्चन पूछ रहा है विनय कुमार शुक्ला। ठीक है विनय कुमार शुक्ला, सर मिडिल लैमला क्या सेल वॉल का पार्ट है? तो नहीं, यहाँ लिख लो मिडिल लैमला, लिख लो नॉट पार्ट ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल का पार्ट नहीं होता, मिडिल लैमला सेल वॉल का पार्ट नहीं होता, मिडिल लैमला सेल वॉल का पार्ट नहीं होता। इसलिए याद रखना कि ये जो प्राइमरी वॉल होता है यही आउटर मोस्ट है, सेल वॉल का आउटर मोस्ट लेयर प्राइमरी वॉल। ठीक है ये ध्यान रखना, मिडिल लैमला को आउटर मोस्ट मत बोल देना, मिडिल लैमला सेल वॉल का पार्ट नहीं होता, सेल वॉल में आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर प्राइमरी वॉल होता है। ये हम सब लिख रखे हैं प्राइमरी वॉल के लिए कि प्राइमरी वॉल जो होता है ये मिडिल लैमला के नीचे होता है, सेकेंडरी वॉल जो होता है वो प्राइमरी वॉल के नीचे होगा, प्राइमरी वॉल जो होता है वो थिन इलास्टिक होता है, सेकेंडरी वॉल जो होता है थिक और टफ होता है, प्राइमरी वॉल जो होता है ये डिमिनिश होता जाएगा जब सेल ग्रो करेगा, जैसे जैसे सेल ग्रो करता है प्राइमरी डिमिनिश पतला होता जाएगा, और सेकेंडरी वॉल जो होता है ये ग्रोथ को अलाउ नहीं करता है। प्राइमरी वॉल कहाँ प्रेजेंट है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू पैरेन्काइमा। देखो ये बोलने का मतलब ये ऐसे टिश्यू है जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी है सेकेंडरी नहीं है, और कौन से ऐसे टिश्यू है जहां सिर्फ सेकेंडरी वॉल है प्राइमरी नहीं है, रति जायसवाल सर मेरे क्वेश्चन का भी आंसर तो बता दीजिए, ये लास्ट में बता देंगे इंटरसेप्शन और एपोजिशन क्या है, अभी वेट करो। देखो एक होता है कॉलन काइमा और एक है स्क्लेरन काइमा, कॉलन काइमा स्क्लेरन काइमा जो है ये ऐसे टिश्यू हैं, ये ऐसे टिश्यू हैं जिनमें सॉरी जिनमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होता है। अब ये बात क्लियर हो गया, अब जरा ध्यान से इधर देखो, ये जो दो सेल हैं, ये जो दो सेल हैं, ये दो सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो कैसे ये दो सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, और कनेक्टेड होते हैं एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से, दो सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से, इसी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड को नाम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर है ये, प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो दो एडजेसेंट सेल्स के बीच साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है या कनेक्टिंग लिंक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। देखो यहां ध्यान से, ये प्लाज्मोडेस्माटा, एनसीईआरटी में इसको लिखा है कि जो दो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनका सेल वॉल ट्रैवर्स्ड होता है, उनका सेल वॉल ट्रैवर्स्ड होता है, ट्रैवर्स मतलब पोरस होता है, किसके थ्रू, एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जिसको नाम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसमें हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं क्या कि ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड विच कनेक्ट नेबरिंग सेल, नेबरिंग सेल्स को आपस में कनेक्ट किए रखना, ये किसका काम है, प्लाज्मोडेस्माटा का। ठीक है, यानी जो दो एडजेसेंट सेल्स हैं, दो एडजेसेंट सेल्स में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, इस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन का नाम प्लाज्मोडेस्माटा है, साइटोप्लाज्म इससे एक्सचेंज हो जाता है लेकिन न्यूक्लियस का एक्सचेंज इससे नहीं होता है। देखो ये जो नाम पूछा गया है इंटरसेप्शन और एपोजिशन क्या है, इंटरसेप्शन एपोजिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल वॉल का ग्रोथ होता है, यार ये डिटेल में ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। इंटरसेप्शन और एपोजिशन में क्या अंतर, देखो ध्यान सुन लो, जब सेल वॉल का ग्रोथ होता है तो सेल वॉल के ग्रोथ में ये ग्रोथ दो तरीके से होता है, इंटरसेप्शन और एपोजिशन से, एक में नया सेल वॉल लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट होता है और एक में पार्टिकल के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। अब ये देखो ये जो क्वेश्चन इंटरसेप्शन एपोजिशन है ये सिलेबस के बाहर है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं, तुम लोग पूछ रहे हो खैर चैट बॉक्स में इसलिए बोल रहे हैं, इंटरसेप्शन एपोजिशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से नया सेल वॉल का ग्रोथ होता है,
या सेल वॉल में नए सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन होता है। तो एक में डिपोजिशन लेयर के फॉर्म में होता है और एक में डिपोजिशन पार्टिकल के फॉर्म में होता है। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं, इधर देखो, ये देखो, ये प्लाज्मोडेस्माटा क्लियर है। प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है जो क्या करता है, विच कनेक्ट नेबरिंग सेल। और एक बात और याद रखेंगे, एल्गी का सेल वॉल, ध्यान से देखो, जाके अंडरलाइन कर लेना, एल्गी का सेल वॉल किसका बना था? एल्गी का सेल वॉल बना था सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन और मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट का सेल वॉल किसका बना था? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। और एक आएगा फंगस का सेल वॉल, तो फंगस का सेल वॉल किसका बना था? काइटिन का। और काइटिन जो था वो किसका पॉलीमर था? काइटिन जो था वो पॉलीमर था एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। ठीक है, ये इतनी बात तुम्हारी जो है ये सेल वॉल के बारे में बात है। आगे देखो, हम लोग बढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म। और सब लोग चैट बॉक्स में ये बताओ, कौन ये बताया था कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है, और प्रोटोप्लाज्म को कौन डिस्कवर्ड किया था? दो चीज बताना है तुम्हें, कौन बोला था कि प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, और कौन ये बोला था, कौन जो है प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर्ड किया था, ये दोनों का जवाब दो। ठीक है, नेत्री पांडे का जवाब सही है, हक्सले। मैसेज डिलीट क्यों कर दी? देखो, आते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सबसे पहले इधर देख लो, ये एक सेल है और ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के नीचे ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आओगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आओगे तो तुम्हें यहाँ एक न्यूक्लियस मिलेगा, और बाहर जो लिक्विड है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस तरह से ध्यान से देख लो। ठीक है, यहां देखो, ध्यान देने वाली क्या बात है, देखो, जब हम यहां लिखेंगे सेल माइनस सेल वॉल, सेल में से क्या निकाल देना है, सेल वॉल, पता, जैसे ही तुम इस सेल वॉल को हटा दोगे तो जितना बचा पार्ट होगा उस बचे पार्ट को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। उस बचे पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। और जो प्रोटोप्लास्ट है उस प्रोटोप्लास्ट से क्या निकाल दो? सेल मेम्ब्रेन। तो इसी को नाम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यानी बताओ, ये जो प्रोटोप्लाज्म लिखा है ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये है प्रोटोप्लास्ट माइनस सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लास्ट
प्रोटोप्लास्ट से सेल मेम्ब्रेन को निकाल दो, इसी को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और देखो इधर हक्सले कॉल्ड देम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हक्सले ये बात बोले थे प्रोटोप्लाज्म को कि ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है। दूसरा देखो क्या है, दुजार्डिन 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 क्या किए थे, डिस्कवर्ड एंड कॉइंड द टर्म सार्कोड। प्रोटोप्लाज्म को जो पहला नाम दिया गया था वो पहला नाम सार्कोड दिया गया था, क्लियर है। तीसरा देखो नाम आता है इसमें किसका, पुर्किंजे। पुर्किंजे क्या किए थे, क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टर्म कौन दिया था, प्रोटोप्लाज्म टर्म पुर्किंजे दिए थे, सार्कोड टर्म कौन दिया था, दुजार्डिन दिए थे, और दुजार्डिन ही प्रोटोप्लाज्म को एक्चुअल में डिस्कवर्ड किए थे। और हक्सले सिर्फ क्या कहे थे कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। यानी बताओ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कौन है, तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ हक्सले कहे थे, दुजार्डिन उसको डिस्कवर्ड किए थे और नाम क्या दिए थे, सार्कोड, और पुर्किंजो जो थे वो टर्म दिए थे क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है ये। आगे देखो हम लोग आते हैं कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखो ध्यान से इधर, सबसे पहले देखो यहां पर क्या आता है, वाटर। वाटर कितना होता है, वाटर होता है 70-90%, 70-90% वाटर होता है प्रोटोप्लाज्म में। दूसरा जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है प्रोटीन, प्रोटीन कितना होता है 10-15%। तीसरा होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कितना होता है 5-7%। फिर होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 3%। फिर क्या होता है लिपिड, लिपिड कितना होता है 2%। फिर कितना होता है, फिर क्या होगा आयन, आयन कितना होगा 1%। इस तरह से देखो ये डाटा है। कंपोजिशन में जब आएंगे प्रोटोप्लाज्म के तो वाटर जो होता है वो 70-90% होता है, प्रोटीन 10-15% होगा, न्यूक्लिक एसिड 5-7% होगा, कार्बोहाइड्रेट 3% होगा, लिपिड, लिपिड जो होगा वो 2% होगा, और आयन जो होता है वो 1% होता है। क्लियर है ये बात। आगे देखो हम ये बोलेंगे, एक बात देखो याद रखना, वाटर जो होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं ध्यान सुनो, पहला अगर तुमसे बोल देगा मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में क्या है जो मोस्ट अबंडेंट है, तब तो हम नाम ले लेंगे वाटर का, क्योंकि वाटर ही होता है 70-90%। लेकिन अगर ये बोल दे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन होगा, वाटर ऑर्गेनिक नहीं होता, वाटर इनऑर्गेनिक होता है। तो जब ये नाम बोल देगा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, प्रोटीन, और कितना होगा 10-15%। लेकिन अगर वो ये बोलता है कि मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन प्रोटोप्लाज्म, तो मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस क्या होगा, वाटर, और वो कितना होगा 70-90%। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है प्रोटोप्लाज्म का, और इसको बोलते हैं क्या, फ्रेमवर्क एलिमेंट। ये देखो नाम हम लोग आगे लिखते हैं इधर, देखो ध्यान से, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये वाटर है,
थ्री मेजर एलिमेंट, तीन मेजर एलिमेंट कौन से हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क एलिमेंट। फोर मेजर एलिमेंट, फोर मेजर एलिमेंट दैट फॉर्म्स 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये कौन है, ये है तुम्हारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाई वेट, ये वेट के बेसिस पे बोला जा रहा है, बाई वेट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। क्लियर है, इसी में नाम क्या दिखेंगे हम लोग, प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट। देखो प्लांट का जो प्रोटोप्लाज्म है, प्लांट के सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, इसमें 95% या सिंपली ऐसे लिख लेते हैं 90-95% वाटर होता है। ड्राई सीड, अगर ड्राई सीड है तो ड्राई सीड में, ड्राई सीड में 10-15% वाटर होता है, 10-15% वाटर होता है। और जो एनिमल है, एनिमल प्रोटोप्लाज्म में 65-70% वाटर होता है। ये इतना इंफॉर्मेशन प्रोटोप्लाज्म के बारे में है कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट माइनस सेल मेम्ब्रेन। हक्सले क्या कहे थे इसको, हक्सले बोले थे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। दुजार्डिन जो थे ये प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर्ड किए थे और टर्म दिए थे सार्कोड। पुरकिंजे जो थे ये टर्म क्वाइंड किए थे प्रोटोप्लाज्म। कंपोजिशन में आओगे तो सबसे ज़्यादा वाटर होता है 70-90%। प्रोटीन कितना होता है 10-15%। न्यूक्लिक एसिड कितना होता है 5-7%। और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 3%। लिपिड 2%, आयन 1% होता है। बस दो मिनट। मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म का क्या है, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म का क्या है, वाटर। थ्री मेजर एलिमेंट कौन से हैं, थ्री मेजर एलिमेंट में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट। फोर मेजर एलिमेंट दैट फॉर्म्स 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का 99.99% पार्ट कौन से चार मेजर एलिमेंट बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बाई वेट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो वो होता है ऑक्सीजन। अब प्रोटोप्लाज्म जो प्लांट का है उसमें 90-95% वाटर होता है। ड्राई सीड के प्रोटोप्लाज्म में 10-15% वाटर होता है और एनिमल प्रोटोप्लाज्म में 65-70% वाटर होता है। ये इतना इन्फॉर्मेशन है प्रोटोप्लाज्म के बारे में, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गॉल्गी बॉडी, फिर वैक्यूल, फिर लाइसोसोम, देन वैक्यूल। तो आज के लिए इतना ही।